कंफ्यूजन है सॉल्यूशन कुछ पता नहीं सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं सो so, एसपीओएम से रिलेटेड आई थिंक अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन है तो प्लीज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना बिकॉज मैं फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन जितने भी मेरे को क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सबको मैंने कंपाइल करके एक पीडीएफ बनाया जो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूँ कमेंट्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा वो ये वीडियो प्लीज शेयर कर दीजिए उन सब लोग को जिसको भी ये रिक्वायरमेंट है एंड डू लाइक द वीडियो फॉर सर्च मोर थिंग्स एंड स्टे सब्सक्राइब बिकॉज अब एसपीओएम के मेरे लेक्चर्स भी स्टार्ट हो गए तो अगर आपका एसपीओ का कुछ बाकी है देन इन दैट केस एंड उससे रिलेटेड उसके अलावा भी ए एफ एफ जो भी है तो वो सबको आपको अपडेट मिलता रहेगा Now, here is the, yes, ये रहा वो पी डी एफ जिसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे ऑलमोस्ट सब दे दिया है फिर भी अगर आप लोग को कुछ लग रहा है क्वेश्चन बाकी है देन इन दैट केस कमेंट में कर देना आई विल रिप्लाई एंड आई एम श्योर यू विल वेरी वेरी क्लियर फटाफट पांच मिनट के अंदर ये क्वेश्चन में आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू विल बी कवर्ड इन दिस सबसे पहले तो नवंबर तक एक जनरल बात बता रहा हूं नवंबर ट्वेंटी थ्री तक अगर आपका सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो गया है और मे ट्वेंटी फोर में आप सी ए फाइनल में आ चुके हो भले आपने मे ट्वेंटी फोर नहीं दिया सीए फाइनल में आप आ चुके हो तो सेट सी और सेट डी आपको नहीं देना है Congratulations. ठीक है ये एक जनरल बात मैंने आपको बताया कि November 23 तक अगर आपने क्लियर कर लिया है November 23 exam तक तक मतलब Jan में जो रिजल्ट आया था तब तक अगर आपने क्लियर कर लिया इंटरमीडिएट बिंगो आप लोगों के लिए set C, set D है ही नहीं अब आ जाओ एक एक करके आप लोग ओल्ड कोर्स टू न्यू कोर्स आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एस करेक्ट देख एन कंप्लीट और दे एन कम्प्लीट बिफोर अप्लाइंग में ट्वेंटी फोर वालों के लिए एक एग्जामेशन था एक्सेप्शन था बट फॉर अपियरिंग फॉर नवेंबर ट्वेंटी फोर एग्जाम इट इज कम्पल्सरी टू क्लियर योर रिस्पेक्टिव सेट बिफोर अपियरिंग फॉर सी ए फाइनल एग्जाम तो कई स्टूडेंट्स थे जो नवम्बर में ओल्ड सिलेबस में सीए फाइनल दिया है अब न्यू सिलेबस में ऑब्बियसली ऑटोमेटिक कन्वर्जन हुआ है तो उन लोगों को कब देना है जिसने भी मे ट्वेंटी फोर दिया है उसने तो एग्जाम दे दिया उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। है बट जिसको भी बाद में उसके देना नवंबर और सो सो ऑन एंड उन सब लोगों को मैं बता फुल कि सेट सी सी सेवन पेपर्स पुराने वाले स्टूडेंट पुराना चावल आईपीसीसी के साथ पेपर दिया हुआ है एंड फाइनल ओल्ड सिलेबस देन आपको

तो आपको बिकॉज आप ग्रुप टू सी ए फाइनल में क्लियर कर चुके सिलेबस में अब आपको जस्ट सेट ए लॉ ही देना है नो सेट बी सेट सी सेट डी ओके डन क्लियर आईपीसीसी ग्रुप वन इन ओल्ड कोर्स नवंबर नाइनटीन ये बहुत सही है ये बहुत सही है क्लियर्ड आईपीसीसी इन ग्रुप वन ओल्ड कोर्स नवंबर नाइनटीन

एंड सिक्स डी में एग्जामेशन है पेपर सिक्स में तो विथ सेट आई हैव टू गिव तो आपको इंटीग्रेटेड बिजनेस एग्जाम सेट ए एंड सेट बी देना है सेट सी एंड सेट डी एग्जाम क्यों क्योंकि आप फाइनल में आ चुके हो ठीक है ना उनका क्राइटेरिया क्या है नवंबर 23 एग्जाम्स तक जो भी फाइनल में आ चुका है उसको सेट सी सेट डी एग्जाम कर दो फिर आई हैव गिवन ग्रुप ग्रुप इन 24 विल बी फॉर हैवेंबर ट्वेंटी फोर हैव गिव सेट ए बी और बोथ तो आपको आप बोलते हो कि नवंबर ट्वेंटी फोर में आप ग्रुप टू नहीं दे रहे हो आप मे ट्वेंटी फाइव में दे रहे हो तो तब सेट भी दे देना चलेगा बट अभी आपको सेट ए तो देना ही पड़ेगा समझो अभी आपने मे का एग्जाम है आपका

आपको तब पहले देना है एंड वाइस एलसा वाला क्वेश्चन बाद में अब बी अपियरिंग फॉर नवेंबर ट्वेंटी फोर ग्रुप वन तो आपको सेट ए देना है राइट right? एंड बाद में जब आप ग्रुप टू दोगे तब आपको सेट बी देना है सीए पीसी पीसीसी पी टू वाले जो लोग है वो लोग भी है कुछ मे टेन में सीए फाइनल ग्रुप टू क्लियर किया आपने देन फॉर नवंबर आई एम फॉर ओनली ग्रुप वन आई विल हैव टू अपीयर फॉर विथ सेट तो आपको सेट ए ही देना है सेट बी जब भी, भी आप ग्रुप टू देने वाले हो सेट सी सेट डी एग्जाम क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं आपका सीए पीसी क्लियर हो चुका है इंटरमीडिएट ग्रुप आई गुप इन ओल्ड स्कीम ग्रुप वन अच्छा ग्रुप वन आई क्लियर ग्रुप टू अभी हूं चारों देना है अगर ग्रुप वन ही क्लियर किया है तो जिसने इंटरमीडिएट का ग्रुप टू क्लियर किया है उसको सेट ए सेट बी तो देना ही है बट सेट सी और सेट डी में से एनी वन देना इंटरमीडिएट का ग्रुप वन क्लियर है आपका नवंबर 23 तक चारों आपको सेट देना है इन नवंबर 23 तक ग्रुप क्लियर है, तो सेट ए सेट भी सेट सी सेट डी में से खाली सेट सेट भी तो दोनों देना ही है आपको हाँ तो ठीक तो आप है तो एक एक आपको बेनिफिट दिया है कि सेट सी सेट डी में से खाली एक ही देना है राइट ओके ओके अब कुछ एग्जामेशन का ये आप लोगों को पता ही होगा फिर भी मैं बोला एक बार रिपीट कर देता हूं अकाउंट्स अगर एक्जेम्ट है एडवांस अकाउंट्स एग्जाम हो जाएगा लॉ के सामने लॉ कॉस्टिंग के सामने कॉस्टिंग टैक्स के सामने टैक्स एडवांस अकाउंट्स के सामने एडवांस ऑडिट के सामने ऑडिट ईआईएसएसएम के सामने एफएमएसएम wow. भी एफ एम एस एम सी ए फाइनल में भी आई थिंक बहुत इजी क्राइटेरिया है सामने सामने जो सब्जेक्ट्स था वो है इलेक्टिव के सामने इंटीग्रेटेड बिजनेस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है राइट सी ए इंटर ग्रुप वन क्लियर टिल नवंबर ट्वेंटी थ्री एंड अभी ग्रुप टू देने वाले हो तो आपको ऑडिट एफएमएसएम देना है यू वु नो दैट कॉस्टिंग आपका ग्रुप वन में हो चुका है इंटर ग्रुप टू क्लियर कर लिया है अब ग्रुप वन देना है तो लॉ कॉस्टिंग और टैक्स अब आपको देना पड़ेगा थ्री टू गिव थ्री पेपर्स ऑफ ग्रुप टू डी आई डी टी मल्टीडिस और एसपीओम so, के क्लियर हो गए होंगे ऑलराइट राइट गाइज असला uh, विस्तार अगर फिर भी तुम लोग को अभी भी कुछ हो और भी डाउट प्लीज ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर रहा हूं जिसका लिंक तुम लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कमेंट्स पे मिल जाएगा वहां से आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लो फिर भी कोई डाउट है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स विल बी हैप्पी टू आंसर इट थैंक यू कीप स्माइलिंग और हाँ 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 एक और बात बता दू इंस्टीट्यूट ने अभी एसपीओएम uh, के लिए आपका एस एस करना है एसपीओएम के लिए सेट ए सेट बी ए सबके कुछ मैंडेटरी आवाज डालना चालू कर दिया यू कैन स्टार्ट वॉचिंग देम एंड अगर फिर नहीं समझ में आता है देन इन दैट केस यू कैन टेक द लेक्चर्स बुक्स यू कैन टेक फ्रॉम सेट बी फ्रॉम माय एंड और लेक्चर्स इवन विल बी रियली रियली हेल्पफुल विल यू नो वॉच द यूट्यूब सेशन जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया है पूरे पोर्शन को रिलेटिंग टू तो सेट बी स्टेजी कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यू कैन गो थ्रू दैट एंड आउट यू कैन आस दैट एज वेल